हेलो डियर वर्गो, वर्गो यानी कन्या राशि में सूर्य स्कॉर्पियो प्लस तरस। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है या किसी भी रीजन से अपने आपको सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, विडो या विडोवर हैं, या फिर जो है डाइवोर्सी रहे हैं, कोई भी रीजन रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। ये 5 से लेकर 12 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं, और फिर देखेंगे कि इन दिनों अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आया है वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, लेकिन वो कोई कमिटमेंट वगैरह देते दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा, कोई इकरार नहीं है। इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर, इन चीज़ों को लेकर शायद आपकी जो है पास्ट में अनबन रही है, लेकिन फिर भी आप उसे प्यार करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि अगर आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो धीरे धीरे करके वो प्यार आपके लिए रिश्ता बन सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ सोच विचार करके जीवन यापन कर सकते हैं। तो आपकी जो हो सकता है कि आप अभी भी उसमें स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, अगर आप सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो एक ठहराव आएगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की आपकी जो है करंट एनर्जी, वो आपका रिसेंट पास्ट रहा है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स। जी, प्रेजेंट करंट एनर्जी जैसा कि रिसेंट पास्ट बता रहा है कि आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने वाले हैं, आप स्टैंड लेना चाहते हैं ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, तो सोच विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहते, आपको लगता है कि निष्पक्ष भावना से, डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचेंगे और सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। दोनों को इक्वल मानेंगे तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही है, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस बनेगा, दोनों तरफ से प्यार और प्रेम बढ़ेगा, रिश्तों में सुधार होगा। और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कुछ गरीबों को दान दक्षिणा दी जाती है, चाहे किसी भी तरह से, चाहे कपड़े के रूप में, खाने के रूप में, पानी के रूप में, दूध के रूप में, या पंछियों को दाना, या जो भी जिस भी रूप में मदद की जाती है, तो इस वो फलेगा फूलेगा, गरीबों का आशीर्वाद मिलेगा, और इसमें इक्वल की वेंटे को एनर्जी आएगी, बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगी। तो इस तरह से आप सोच विचार कर रहे हैं, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि आप इसमें इक्वल की वेंटे को एनर्जी लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, और सोच विचार करके इस प्यार को, इस प्रेम को एक रिश्ते के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो बंदा या बंदी जिस पर आपका दिल आया है, तो उससे आप चाहते हैं कि रिश्ता कायम हो। तो देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में, आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। 4 ऑफ कप्स एंड द हायरोफंट।
तो नए पर्सन आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ रहा है, यूनिवर्स की नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन आप स्टक हैं, आप उदास हैं, सैडनेस है, उदासी है आपके चेहरे पर, क्योंकि आपको वही पर्सन चाहिए। हो सकता है कि आप जिस पर्सन से आप पास्ट में प्यार करते थे, प्रेम करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो वही पर्सन आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चाहिए। उसी से तो इसलिए आप स्टक हो चुके हैं। आप कुछ भी और हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो जिससे आप प्यार और प्रेम करते हैं वो किसी अदर कास्ट से हो, आपके रिलीजन का ना हो, आपकी कास्ट का ना हो, तो जिस वजह से माता पिता या बड़े भाई बहन या रिश्तेदार इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं जो है एक अरेंज मैरिज को दर्शाता है। इसमें लव मैरिज कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर ये अदर कास्ट से हैं तो वहाँ, या फिर आप अदर कास्ट से हैं या अदर रिलीजियन बंदे हैं, तो वहाँ आपकी दाल गलनी मुश्किल है। आप अपने सैडनेस को छोड़िए, अपनी उदासी को छोड़िए, और इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और अगर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेंगे, क्योंकि जो अगर जहाँ भी आपकी शादी या विवाह हो सकेगा, जो ये पर्सन ये दिखाई दे रहा है वो ट्रेडिशनल बंदा हो सकता है। वो अपने ओहदे से बाहर जाकर, जो भी उसके माता पिता हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, वो एक उनका कुछ स्टेटस ऐसा है, एक एक अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको हर हालत में अपने रिलीजन का, अपने उसका बंदा चाहिए जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चक्कर में ये अनबन बनी हुई है, और तो आपको ऐसे रिश्ते को कहीं ना कहीं भूलने में ही फायदा है। आप स्टक एनर्जी में हैं कि जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी आप को वेट और आप वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो इस उदासी से अगर बाहर निकलेंगे तो आपकी यूनिवर्स की तरफ से आपको और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और उसको उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए, सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन आप हैं कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। नए पर्सन की एनर्जी में ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन पर आपका दिल आया है, हो सकता है कि वो कहीं और किसी और से प्यार करता हो, तो वहाँ भी ये अनबन बनी दिखाई दे रही है, और आप उसी का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि वही पर्सन आपको चाहिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सैडनेस दिखाई दे रही है, उदासी दिखाई दे रही है, आप काफ़ी परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो कोई एनर्जी नहीं दिखाई दे रही कि इन दिनों कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। अभी आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जी, पास्ट जो पर्सन है तो वहाँ आप सोच विचार कर रहे हैं, आप इस रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस जाया जाए, मन बना रहे हैं। डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए अगर आप अपने लिए और अपने प्यार के बारे में सोचेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही एनर्जी स्ट्रांग है, काफ़ी प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भले ही आप इसको जो है एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन हाव भाव समझ कर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी प्यार और प्रेम है, तो इसलिए आप पास्ट पर्सन के पास वापस आने के लिए अपने आप मतलब सोच विचार कर रहे हैं, और आप इस रिश्ते में वापस आएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन सोच विचार करके आप इस रिश्ते में वापस ज़रूर आने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी एक दूसरे से लगाव है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, काफ़ी प्यार और गहरे वाला प्रेम है।
तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि समय, क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है, अगर बैठी हुई एनर्जी होती है तो समय और वक्त लगता है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है सोच विचार करके, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है वर्गो के लिए। जजमेंट एंड क्वीन ऑफ कप्स, यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि मदरली हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, या जो तो उस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रांग बनाने के लिए अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चुप्पी और खामोशी के साथ आप रहेंगे, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, आप इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, और जिस चीज़ के लिए आप हीलिंग करेंगे, कर रहे हैं, मेडिटेशन करेंगे, तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो विश फुलफिलमेंट है, वो आपकी मन्नत पूरी जरूर होगी। अगर कड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, पास्ट वाली चीज़ों को नहीं दोहराएंगे, जो पास्ट में चला गया, जो बीत गया उसको जाने दीजिए, एक दूसरे के लिए फॉरगिव कीजिए, एक दूसरे को माफ़ी दे दीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और गले से लगा लीजिए। तो अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर से ये जो है, जो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में थे जिससे आप अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो वो रिश्ता फिर से आपका स्टेबल हो सकता है, जुड़ सकता है, कामयाब हो सकता है, फिर से आप इस शादी विवाह कर सकते हैं, सेनाइयाँ बच सकती हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चुप्पी और खामोशी के साथ रहेंगे, साइलेंस रहेंगे, सही समय आने का वेट और इंतजार करेंगे, तो ये रिश्ता आपके लिए आपकी विशफुल फील कर सकता है, आपकी मन्नत पूरी हो सकती है, जिस जैसा आप चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसमें बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।